राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA MA BEd तथा MEd के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, MEd कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, किसी प्रकार का वाइट पेपर लिखने वाले हैं, किसी प्रकार की रिसर्च थीसिस लिखने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत काम का है। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सभी स्टेप्स को हमने वन बाय वन करके समझाया है। आप मेरे सामने ये देख रहे हैं कि एक मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है परिकल्पना, यानी कि यूजुअली रिसर्च स्कॉलर्स क्या करते हैं, कुछ एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब ये हाइपोथेसिस किसी भी प्रकार की हो सकती है, और उसके बाद में इस हाइपोथेसिस के ऊपर में कुछ रिसर्च की जाती है, डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, और उसके बेसिस पे इसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। जैसे हमारे केस के अंदर हमने ये परिकल्पना या हाइपोथेसिस रखी है कि एकाकी व संयुक्त परिवार के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के जीवन कौशल शिक्षा में सार्थक अंतर नहीं है। अब इस हाइपोथेसिस के लिए हमें क्या करना होता है, एक पहले सर्वे करना पड़ता है। सर्वे यानी कि क्वेश्चनेयर भरवाया जाता है टारगेट से, यानी कि सैंपल जहां से कलेक्ट किया जाता है। जैसे हमारे केस में ये स्कूल से संबंधित है, इसलिए ये विद्यार्थियों का ऊपर में हमने सर्वे किया है। तो ये सर्वे करने के बाद में किस प्रकार से होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर एक टेबल बनाई है मैंने, जिसके अंदर एक तरफ एकाकी परिवार के विद्यार्थियों के सैंपल का डेटा है, दूसरी तरफ संयुक्त परिवार के विद्यार्थियों के सैंपल का डेटा है। कुल मिला के 50-50 संख्या में हमने ली है, और आप चाहें तो इसे 100 भी ले सकते हैं। 100 एक आइडियल नंबर है, अच्छा सैंपल आता है, और उसके बाद में रिजल्ट जो होता है काफी रिलायबल होता है। अगले कॉलम के अंदर हमने मध्यमान यानी मीन निकाला है, और उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन है। अब जो टी वैल्यू निकाली गई है वो मध्यमान में मानक विचलन की मदद से फार्मूले के माध्यम से निकाली गई है। तो ये किस प्रकार से होगा पहले मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। यहाँ पर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट किया है, जो आप जानते होंगे। उसके बाद में टी वैल्यू का 0.05 कॉन्फिडेंस लेवल पर क्या वैल्यू होती है, और 0.01 कॉन्फिडेंस लेवल पर क्या वैल्यू होती है, ये दिखाया है। और इसके बेसिस पे पूरी ये परिकल्पना को स्वीकार किया है अथवा स्वीकार नहीं किया है, ये हमने बताया है। तो अब पहली स्टेप से चालू करते हैं कि ये हमने पूरी कैलकुलेशन कहाँ से करी है। पहले आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चनेयर पे। ये सर्वे मार्केट में आसानी से उपलब्ध होते हैं। आप जिस किसी भी विषय में रिसर्च कर रहे हैं उससे संबंधित, या तो आप खुद अपना क्वेश्चन पेपर बनाएं, और या फिर बाजार से रेडीमेड खरीद लें, और उसके बाद में स्कूल कॉलेज संस्था या किसी NGO या किसी और पॉपुलेशन डेटा के ऊपर में आप जा करके ये क्वेश्चनेयर भर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हर एक विद्यार्थी के या हर एक सैंपल लेने वाले पर्सन के आप डेटा को तैयार करें। वो डेटा कैसे तैयार करना है देखिए, एक्सेल में दिखा रहा हूँ आपको इस प्रकार से। देखिए हमने क्या किया कि हर एक विद्यार्थी का स्कोर जो होता है इस सर्वे के आधार पे, हमने ये देखिए यहाँ पे 1 से लेके 50 तक का सभी का डेटा हमने यहाँ पर एक्सेल के अंदर फीड कर दिया है। इसी प्रकार जो संयुक्त परिवार के विद्यार्थी जो 50 लिया है हमने सैंपल, उसके भी सारे हमने यहाँ पर डेटा फीड कर दिया है। अब अगला स्टेप आता है मीन निकालने का। मीन देखिए, मैंने यहाँ पर जो मीन निकाला है ये एक एवरेज फार्मूले से निकाला है। तो आप ये जानते होंगे एवरेज फार्मूला जो एक्सेल में है ये रेडीमेड तुरंत के तुरंत मीन निकाल देता है। इसके अलावा एक तरीका और है जो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, एक्सेल के अंदर सीधा इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पे सम करें, यानी कुल मिला के इन 50 विद्यार्थियों के कितने प्राप्तांक आए क्वेश्चन नेयर में, ये हमने पूरे को सम कर लिया। यहाँ से देखिए ये ऊपर आपको स्टेटस बार में फार्मूला दिख रहा है, क्योंकि टोटल मिला के 50 विद्यार्थी थे इसलिए 50 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज वैल्यू निकल गई। यानी कि वही एवरेज आया जो एवरेज फार्मूले से आया, यानी दोनों तरीके से एक ही एवरेज यानी मीन आ जाता है, तो ये मीन यहाँ से निकाला। इसी तरीके से हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर STDEV.S एक फार्मूला है, जो कि अगर सैंपल्स के सैंपल्स जो लिए गए हैं उसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो यहाँ पर हम सैंपल की रेंज और उसकी मदद से ये फार्मूले की मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन सीधा निकाल सकते हैं। क्योंकि जो मैनुअल कैलकुलेशन का मेथड है वो थोड़ा सा लंबा है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है उसमें, तो समय बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सीधा इस फार्मूले से निकालते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर एकाकी परिवार के लिए और संयुक्त परिवार के लिए दोनों के लिए मैंने माध्य यानी कि मीन और साथ साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने फार्मूले की मदद से एक्सेल में निकाल लिया है। तो अब हमने क्या कर लिया है, हमने सैंपल लोगों का कलेक्ट कर लिया है, साथ साथ में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिए। तो अब हम क्या करते हैं, आते हैं हम लोग फार्मूले पे कि फार्मूला किस प्रकार से लगाया जाता है।
ये फार्मूला जो लगाया आपने, आप देखें मैंने यहाँ पे एक्सेल के अंदर में बताया कि टोटल मिला के 50 विद्यार्थियों का सैंपल हमने लिया एकाकी परिवार से और 50 का लिया संयुक्त परिवार से। इन दोनों के मीन हमने यहाँ पे बता दिया, उसके बाद में इनके स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद में हमने ये फार्मूला लगाया। तो अब ये फार्मूला कहाँ से आया मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आइए देखते हैं। ये फार्मूला यहाँ से आया, देखिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट फार्मूला का जो फार्मूला है वो यहाँ पे इस तरीके से था। टी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, यानी कि पहला सैंपल जो है यानी कि एकाकी परिवार वाला है उसका मीन माइनस दूसरे सैंपल का यानी जिसमें संयुक्त परिवार का है, दोनों के मीन का डिफरेंस निकाल लिया जाता है ऊपर, उसके बाद में इसमें भाग लगाया जाता है और फिर स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि पहला जो सैंपल लिया हमने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बटा उस सैंपल के अंदर कितने कुल मिला के विद्यार्थियों या सैंपल कलेक्ट करने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी वो हमने इसके अंदर नीचे लिख दी। इसी तरीके से दूसरे के साथ किया तो इन दोनों को क्या करेंगे कैलकुलेट करके सम कर लेंगे, उसके बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे और फाइनली जो हमने माध्य दोनों के निकाले थे उसके अंदर से इसका भाग लगा देंगे। अब यही काम मैंने एक्सेल में किया है, देखिए दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए ये फार्मूला है इसका, मैंने पहले D3 यानी कि D3 में मध्य मान निकाला है, मान निकाला है एकाकी परिवार के विद्यार्थी का माइनस D4 बटा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के बाद में हमने क्या किया है स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाला यानी ई रो के अंदर में जो है ई कॉलम में स्क्वायर बटा C3 यानी कि कुल संख्या जिनके सैंपल ली गई है प्लस दूसरे के साथ भी ऐसे ही किया और उसके बाद इस फार्मूले की मदद से हमने टी वैल्यू निकाला है। अब ये जो टी वैल्यू निकाला है, अब ये टी वैल्यू के बेसिस पे परिकल्पना को कैसे स्वीकार करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे हमारी टी वैल्यू यहाँ पे आई है 2.79, तो आइए हम देखते हैं, अब हम आगे की बात चेक करते हैं। अब वापस इस टेबल में आ जाते हैं वर्ड के अंदर। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहला काम होता है टी वैल्यू को चेक करने का कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अंश निकालना, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अंश निकालने के लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने पहला सैंपल के अंदर में कुल मिला के कितनी संख्या थी विद्यार्थियों की प्लस दूसरे सैंपल के अंदर कुल मिला के कितनी विद्यार्थियों की संख्या थी और उसके बाद में उसमें से दो घटाया यानी 50 माइनस 2 इक्वल टू 98, तो ये हमारा आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम जो करेंगे उसके लिए हमें एक टी टेबल की आवश्यकता होगी। देखिए ये टी टेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टी टेबल में आप देखिए यहाँ पे ऊपर तो मान दिया हुआ है 1 tail और 2 tail, हमारा चूंकि दो सैंपल के बीच में हम लोग कर रहे हैं तो हमारे ये सेकेंड नंबर का जो ये ऑप्शन है ये लगेगा इसके अंदर में। आप इधर देखें DF लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे आपने 98 निकाली तो 98 से जो नजदीकी नंबर होगा 98 से नजदीकी कौन सा है 100 है, 100 तो इस वाले रो के अंदर हम पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट कर लिया। अब उसके बाद में कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं हम लोग, जैसे 95% से 99% है कॉन्फिडेंस लेवल तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये है तो 0.05 कॉन्फिडेंस लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.984, इसी तरीके से 0.01 कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या आ रही है 2.626, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ लिख दिए। तो आपको ये समझ में आया होगा टी टेबल की मदद से हमने ये 95 से 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे टी जो टी का वैल्यू निकाला है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी हाइपोथेसिस को आगे प्रूव करने के लिए कंपैरिजन करना है। तो आपने अब देखा कि जो हमारे फार्मूला से टी वैल्यू निकली है वो यहाँ पर लिखी हुई है और इसी प्रकार से हमने टेबल से जो टी वैल्यू निकाली है यानी कॉन्फिडेंस लेवल 95 और 99 के बीच में टी वैल्यू ये दोनों आई है यहाँ पे। अब हम इसका जो फाइनल टेक्स्ट लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे कि हमारा जो फार्मूले से प्राप्त है टी वैल्यू अगर वो इस टेबल से प्राप्त टी वैल्यू से दोनों से अधिक है तो इसका मतलब है कि जो हमने परिकल्पना रखी है उसके मध्य मानों में सार्थक अंतर है और अगर ये वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब है सार्थक अंतर नहीं है। पर हमने जो टी वैल्यू फार्मूला से निकाली है 2.79 ये टेबल से निकाली गई टी वैल्यू से अधिक है, इसलिए हम ये निष्कर्ष पे आते हैं कि दोनों के मध्य मानों में सार्थक अंतर है यानी परिकल्पना के अंदर जो दो सैंपल लिए गए थे उनके मध्य मानों में सार्थक अंतर है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके परिकल्पना को प्रूव करने से पहले यानी स्वीकार अथवा अस्वीकार करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि जो दोनों सैंपल हैं उनके बीच में सार्थक अंतर है या नहीं। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और अगर आप हमें किसी प्रकार से कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ज़रूरतमंद साथियों के साथ में शेयर करें और साथ ही आप खुद भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएं।